नमस्कार दोस्तों, रियल एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक की। जानेंगे इस वीडियो में घर बैठे बैठे हम कैसे पीएनबी बैंक का जो स्टेटमेंट है वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद में जो पीडीएफ है उस पीडीएफ का दोस्तों जो पासवर्ड है वो क्या है, और हमें कैसे उस पासवर्ड को अनलॉक करना है ताकि हम अपनी पीडीएफ को देख सके। आप सभी को पता होगा कि जो पीडीएफ है यहाँ पे हमेशा पंजाब नेशनल बैंक में एक ही दिक्कत रहती है, जो पीडीएफ है काफी लोगों की ओपन ही नहीं होती, सही पासवर्ड डालने के बाद में भी ओपन नहीं होती है। तो उसका भी क्या सॉल्यूशन है वो भी देखेंगे, इसका पासवर्ड में क्या लगाना है वो भी देखेंगे, और डाउनलोड भी कैसे करना है, कैसे हम ई स्टेटमेंट दे सकते हैं, कैसे मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे अपने सिर्फ मोबाइल के थ्रू, इसकी पूरी जानकारी इसी वीडियो में देखने को मिलने वाली। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं रियल एजुकेशन चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ हमारे चैनल की तरफ से चल रहा है एक गिववे। इस गिववे में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो गिववे का वो प्रोडक्ट है वो है यहाँ पे मी का सुपर बेस वायरलेस हेडफोन। इस हेडफोन को जीतने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे ताकि आप इस गिववे में पार्टिसिपेट कर पाए। सबसे पहला स्टेप है आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। सेकेंड नंबर स्टेप है आपको कमेंट करके बताना है ये वीडियो आपको कैसा लगा, और थर्ड नंबर स्टेप है आपको इस वीडियो को पूरा देखना है शुरू से लगाकर अंत तक, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। लाइक करने के बाद में कमेंट में हमें ये बताइए कि आप वीडियो आपको कैसा लगा, और हम आगे वाले वीडियो में क्या-क्या गिववेज रखें, नए-नए गिववे में हम क्या-क्या प्रोडक्ट लाएं। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, और सबसे पहले आपको क्या करना है प्ले स्टोर पे चले जाना है, और यहां पे जो पीएनबी वन नाम की एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको रजिस्टर कर देना है। इसके बाद में यहां पे अगर आपको नहीं पता है कि आपकी नेट बैंकिंग कैसे क्रिएट करनी है, आपको पहले से नहीं है जानकारी, तो मैंने एक वीडियो बना रखा है पीएनबी की नेट बैंकिंग कैसे एक्टिवेट करनी है, तो उसका जो लिंक है वो कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको जरूर दे दूंगा ताकि आप वहां से जान सके कि पीएनबी एप्लीकेशन है इसका हमें कैसे हमें करना है, आगे रजिस्ट्रेशन कैसे प्रोसेस पूरा करना है। अब यहां पे जैसे हम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो हमें यहां पे अपने एम पिन दे देने हैं, और उसके बाद में एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। इसके बाद में हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस है जैसा कि आप यहां पे स्क्रीन में देख सकते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, इतने सारे ऑप्शन कि आप कंफ्यूज हो जाएं। पर यहाँ पे आपको कोई भी पीडीएफ का या स्टेटमेंट डाउनलोड का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पे सबसे पहले जो आपको यहाँ पे जूम करना है, यहाँ पे मैं आपको बता देना हूँ जूम करके, तो जो एम पासबुक का ऑप्शन देखने को मिल रहा है इसी के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। एम पासबुक के ऊपर क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट के लिए हिस्ट्री बताई जाएगी, आपको कब से कब तक का स्टेटमेंट चाहिए, जैसे आपको 3 महीने का चाहिए, 6 महीने का चाहिए, 1 साल का चाहिए। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आप 1 साल का ले सकते हैं, 1 साल से ज्यादा का नहीं ले सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि काफी लोगों का क्या होता है, पहले ही 3 महीने का ही बताते थे, फिर 6 महीने का हुआ, और अब 1 साल तक की छूट हमें मिल चुकी है, हम पूरे 365 दिन तक का हम स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें अपनी डेट सिलेक्ट कर लेनी है, तारीख सिलेक्ट करने के बाद में जो नीचे बॉटम में सर्च का ऑप्शन दिख रहा है इसी के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं हमारा पूरा का पूरा स्टेटमेंट है, आपकी जो पूरी पासबुक है वो आपकी स्क्रीन के सामने आ चुकी है कंप्लीटली। अब यहाँ पे दिक्कत यह है कि आप सभी लोगों में से काफी लोग हैं उनको जानकारी है, काफी लोगों को जानकारी नहीं है कि इस जो स्टेटमेंट में यहाँ पे जो कलर रखे गए हैं, 2 कलर है, एक तो हरा कलर है और एक है रेड कलर। यहाँ पे जो ग्रीन और रेड कलर में डिफरेंस क्या है तो मैं आपको बता देना चाहूंगा। ये जो आइकन आप देख सकते हैं कोई ग्रीन है कोई रेड है, तो ग्रीन आइकन का मतलब यह है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे आए हैं, जितने भी पैसे आए हैं स्टेटमेंट में लिखे हैं वहां पे अगर ग्रीन सिग्नल है तो इसका मतलब है आपके अकाउंट में पैसे आए हैं, आपने यहाँ पे क्रेडिट किए हैं, डिपॉजिट किए हैं। अगर आपके अकाउंट से आपने पैसे निकाले हैं या फिर किसी को भी भेजे हैं और आपके अकाउंट से पैसे कम हुए हैं तो उसका मतलब है यहाँ पे रेड कलर का सिग्नल का आइकन देखने को मिलेगा, तो इससे आप पता लगा सकते हैं आपके अकाउंट में कहां से पैसे आए और कितने गए हैं। रेड का मतलब है पैसे अकाउंट से जाना और ग्रीन का मतलब है अकाउंट में पैसे आना। अब यहाँ पे हमें जो नीचे सबसे नीचे डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है इसी के ऊपर हमें क्लिक कर देना है ताकि हम अपनी पीडीएफ को डाउनलोड कर सके स्टेटमेंट। अब जैसा कि दोस्तों आप सब देख सकते हैं सबसे पहला जो पीडीएफ का ऑप्शन इसी के ऊपर हमें क्लिक कर देना है ताकि हमारा जो स्टेटमेंट है वो कम्प्लीटली डाउनलोड हो जाएगा। पर यहाँ पे जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो लोगों को देखने को ये मिलती है कि स्टेटमेंट डाउनलोड होने के बाद में पीडीएफ का पासवर्ड क्या है, ये पासवर्ड नहीं मिल रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पासवर्ड भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे जैसे हम पीडीएफ डाउनलोड करते हैं इसके नीचे आपका पासवर्ड लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है कि आपका पासवर्ड क्या है। यहाँ पे जैसे कि मैं भी डाउनलोड कर रहा हूँ तो मेरे को ये लिखा आ चुका है कि आपका जो
पासवर्ड है वो आपका अकाउंट नंबर है। आप जब भी ट्राई करें तो वहां पे आपको लिखा हो सकता है कि आपका पासवर्ड आपका कस्टमर आईडी है या फिर आपका अकाउंट नंबर है या आपका आईएफएससी कोड है, आपका जो भी होगा पासवर्ड वहां पे आपको लिखा होगा। तो अभी जैसा कि मैं देख सकता हूं यहां पे लिखा है आपका अकाउंट नंबर आपका पासवर्ड है, तो मैं अपना अगर अकाउंट नंबर वहां पे डाल देता हूं तो मेरी पीडीएफ है वो कंप्लीटली ओपन हो चुकी है बिना किसी दिक्कत के। और यहां पे अगर आपका कस्टमर आईडी पासवर्ड है तो कस्टमर आईडी डालिए, अगर आईएफएससी कोड है तो आईएफएससी कोड, पर जो भी पासवर्ड होता है वो यहां पे लिखा रहता है। और मैंने जहां तक देखा है सभी लोगों के जो मेजॉरिटी सभी लोगों के अभी जो पासवर्ड है वो अकाउंट नंबर है। भविष्य में हो सकता है चेंज हो जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहां पे लिखा रहता है पासवर्ड क्या है, तो मैंने आपको बता दिया। अभी हाल फिलहाल में अकाउंट नंबर चल रहा है सभी का पासवर्ड, तो आप अपना अकाउंट नंबर डालिए और आपका पासवर्ड है वो खुल जाएगा, आपकी पीडीएफ ओपन हो जाएगी। फिर आपको ये जो पीडीएफ है जिसके वो भी शेयर करनी हो जिसके पासवर्ड को उनके साथ शेयर कर दीजिए। जैसे काफी बार बैंक के फाइनेंशियल काम होते हैं वहां पे हमें इसकी पीडीएफ की जरूरत होती है, काफी बार हमें लोन है एसेंशियल करवाने होते हैं वहां पे भी हमें यहाँ पे पीडीएफ की जरूरत रहती है, और दूसरे कई तरीके के कामकाज रहते हैं जहां पे हमें ये पीडीएफ की जरूरत रहती है। तो वहां पे आप अपने ये पीडीएफ सबमिट करके आपके सारे फाइनेंशियल टर्म एंड कंडीशन है उनको पूरा कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल काम पूरे कर सकते हैं। आशा करता हूँ इन्फॉर्मेशन आज मैंने आप तक पहुंचाई आपके लिए फायदेमंद रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज दबा कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।